आईपीसी सेक्शन 302 पनिशमेंट बताता है जी मर्डर का, अगर कोई व्यक्ति हत्या कर देता है तो उस हत्यारे को क्या सजा मिलेगी ये बताता है जी 302। आपने फिल्मों में कई बार देखा होगा ना किसके ऊपर 302 लग गई, आजीवन कारावास मिल गई, इसको फांसी की सजा मिल गई, वो 302 के तहत ही होता है। आपने गब्बर वाली फिल्म भी देखी होगी, हरी सिंह उर्फ गब्बर को इरादे हिंद की दफा 300 और 302 के तहत बामुशक्कद आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। तो वही है ना 302। देखो लेकिन 302 लगेगी कब, अब मैटर ये है 302 तब लगेगी जब हत्या हुई हो, और हत्या कब होती है आईपीसी सेक्शन 300 के तहत। मैंने आपको बताया था एक अपना आईपीसी का सेक्शन है 299 और एक आईपीसी का सेक्शन है 301, ये तीनों है ना मिलते जुलते हैं, लेकिन 302 तभी लगेगी जब अपराध 300 के अकॉर्डिंग हुआ हो। अब 300 के अकॉर्डिंग अपराध कैसे होता है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, आप आईपीसी सेक्शन 300 जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन इसकी खैर सजा तो बताएंगे आप, इन तीनों में ना एक बार डिफरेंस समझ लो, बहुत बहुत सारे बच्चों को है ना इन तीनों में कंफ्यूजन हो जाता है कि यार एक मामूली मामूली डिफरेंस होता क्या है। देखो बिल्कुल आसान भाषा में 299 का मतलब ये है, अगर कोई व्यक्ति ये व्यक्ति इस व्यक्ति को मार देता है, इस व्यक्ति की जान ले लेता है, ये व्यक्ति इस व्यक्ति की जान ले लेता है, इस व्यक्ति का इरादा चाहे कुछ भी हो, वो बाद की बातें हैं, वो कोर्ट बाद में सुलटेगा, देखेगा क्या मैटर था क्या नहीं था, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ ये मैटर देखा जाएगा कि एक इंसान की जान गई है। अगर किसी इंसान की जान गई है ना तो वो अपराध हो गया, वो ऑफेंस हो गया 299 के तहत, और वो इसके ऊपर लगेगा। अब चाहे इसने जानबूझकर मारा हो, अनजाने में मारा हो, अपनी आत्मरक्षा में मारा हो, किसी भी इंटेंशन में मारा हो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा वो अपराध हो गया। ये व्यक्ति ना तो भाग सकता ना देश छोड़ के भाग सकता, और अगर कोर्ट इसको बुलाए तो इसको जाना पड़ेगा, पुलिस अगर इसको अरेस्ट करे तो इसको अरेस्ट होना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या हो गया एक टाइम के लिए अपराधी हो चुका है जी। अगर ये निर्दोष है, इसको इससे ये अनजाने में मर गया तो कोर्ट इसको बरी कर देगा बाद में, डरने की क्या जरूरत है। लेकिन ये भाग नहीं सकता, इसको अरेस्ट होना पड़ेगा, और हो सके तो इसको पुलिस में जाके सरेंडर होना पड़ेगा, जी मेरे से ऐसे ऐसे गलती होगी, एक बार के लिए भाई मेरे ऊपर 299 लगा दीजिए, आई समझ में। यानी कि इंसान की जान लेना एक अपराध है, सिर्फ ये बताता है 300, ये बताता है जानबूझकर, भाई जानबूझकर टपकाया है, ये चक्कू लिया टका टक जानबूझकर टपकाया है, मतलब पूरी दवेश में, पूरी प्लानिंग से, पूरी दुश्मनी से। और 301 बताता है जी गैर इरादन हत्या, गैर इरादन हत्या मतलब ये था कि मारना तो चाहता था इसको, और वो जैसे कुल्हाड़ी थी, कुल्हाड़ी फेंक के मारी, मारना तो चाहता था इसको और लग गई इसको, ये टपक गया, अब इसके सांस तो शायद यही तक थे, तब ये क्या होगी गैर इरादन, यानी कि मारने का इरादा नहीं था लेकिन नुकसान करने का इरादा था और जान से टपक गया, तो ये होगी। लेकिन मुद्दा तो 302 का है, ये तो मैं आपको ऑलरेडी पहले भी सिखा चुका हूं, आई थिंक थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आपको क्लियर हुआ होगा। 302 सिर्फ ये कहता है कि अगर अपराध 300 के अकॉर्डिंग हुआ है तो उसको सजा 302 के तहत मिलेगी, और इसकी जो सजा होगी वो होगी जी आजीवन कारावास की। आजीवन कारावास तो समझ गए ना, उम्र कैद, और अगर जज चाहे तो मृत्यु की सजा यानी कि फांसी की सजा भी सुना सकता है, और इसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है, जितना जज का मर्जी होगा, आजीवन कारावास, मृत्यु की सजा और इसके ऊपर जुर्माना भी। हाँ ये संज्ञेय अपराध होगा, संज्ञेय अपराध का मतलब समझते हो ना, विदाउट वारंट भी पुलिस इसको पकड़ सकती है, और इसकी जमानत नहीं होगी जी, जमानत नहीं होगी, गैर जमानती ये अपराध होगा, और इसकी सुनवाई जो होगी आपको पता होना चाहिए, अगर आजीवन कारावास का मामला है तो सेशन कोर्ट में सुनवाई हो सकती है, लेकिन अगर मृत्यु का मामला है तो हाई कोर्ट ही इसको सजा सुना सकता है। उम्मीद करता हूं आपको आईपीसी सेक्शन 302 समझ में आया होगा, और इन तीनों में भी डिफरेंस पता लगा होगा। इंसान की सिर्फ जान लेना अपराध हो गया, जानबूझकर जान लेना बहुत बड़ा अपराध हो गया, गैर इरादन है यानी कि मारने का इरादा नहीं था, टपक गया। तो सीखते हैं आईपीसी सेक्शन 303, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू।